अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो प्रकरण है ये क्रिया का ही साक्षात रूप से विनियोजक होगा, ठीक है, ये क्रिया का ही साक्षात भाव से विनियोग करेगा, अन्य चीज का नहीं करेगा। जैसे कि अभी हमने जाना था इससे पहले कि जहाँ श्रुति एवं लिंग अन्य प्रमाणों से गुण का, जैसे आरुण्य आदि गुण वहाँ पर थे, संख्या आदि गुण वहाँ पर थे, उनका विनियोग कर रहे थे, ठीक है, द्रव्य का विनियोग कर रहे थे, जब हम कह रहे थे व्रीही व्रीहीन प्रोक्षति, तो वहाँ पे व्रीही द्रव्य है तो उनका विनियोग हो रहा था, ठीक है, प्रोक्षण क्रिया है उसका विनियोग हो रहा था, ठीक है, और पशुना यजेत में पशु का पुल्लिंग पुंस्तु जो है वो उसका विनियोग हो रहा था। तो जो श्रुति लिंग आदि थे उनसे कई चीज़ों का विनियोग वहाँ पर किया जा रहा था, द्रव्य का किया जा रहा था, क्रिया का किया जा रहा था, लिंग का किया जा रहा था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अन्य प्रमाणों की भांति महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण, ये जो दो प्रकरण है, तद इदम प्रकरणम, ठीक है, ये जो दो प्रकरण है महांतर प्रकरण, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण, ये जो प्रकरण के दो भाग हैं या फिर प्रकरण स्वयं जो है वह क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम, सिर्फ क्रिया का ही विनियोग करेगा, ठीक है, वह श्रुति और लिंग की तरह है, अन्य प्रमाणों की तरह है, द्रव्य का और गुण का विनियोग नहीं करेगा, ये तो साक्षात रूप से क्रिया का ही विनियोजक होगा, उन्हीं का विनियोग करेगा। और द्रव्य और गुणों का क्या, तो द्रव्य गुणयोस्तु तद्द्वारा, ठीक है, द्रव्य और गुण जो गुण हैं वो तो वहाँ पर परंपरा से प्राप्त हो जाएंगे, परंपरा से प्राप्त हो जाएंगे मतलब पहले से चले आ रहे होंगे और परंपरा से वहाँ पर उपस्थित होने के कारण वो अपने आप ही अंगभूत समझे जाए जाएंगे, उनको उनका विनियोग अर्थात अंगभूत वो अपने आप ही माने जाएंगे परंपरा से। लेकिन साक्षात रूप से जो ये विनियोग करेगा प्रकरण जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया का करेगा। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तथा मैंने इस जैसे कि यजेता स्वर्ग काम है, ठीक है, ये एक विधि वाक्य है। अब यहाँ पर फल भावना उत्पन्न हुई, फलाकांक्षा उत्पन्न हुई, ठीक है, कथम भावयेत, तो यहाँ पर फल भावना के उत्पन्न होने पर, मतलब कथम भावना के उत्पन्न होने पर, क्योंकि एक भावना है और भावना में तीन चीज़ें होंगी, साध्य साधन इति कर्तव्यता, तो कथम भावना उत्पन्न होने पर उसके साथ साथ जो पढ़ी गई, ठीक है, उस इस विधि के समीप, इस यजेत स्वर्ग काम है विधि के समीप, सन्निधि माने समीप, जो पढ़ी गई पठित अश्रुमाय अश्रुयमाण फलकम, ऐसा क्रिया समूह जिसके फल का निर्देश नहीं किया गया है, ठीक है, वो जो क्रियाएं या फिर वो जो क्रियाओं का समूह जिनके फल का निर्देश नहीं किया गया है तो उनके फल को कैसे बताएं, वो भी विधि है, उनके उनमें भी कथम भावना उत्पन्न होगी तो उनके फल को कैसे बताएं। तो हमने क्या किया था वहाँ पर, क्रिया जातम माने उस क्रिया के समूह को उपकार्य आकांक्षा इति कर्तव्यता अन्वेती, उपकार्य अर्थात अंगी याग, उसको उन सभी क्रिया समूहों को हमने अंग मान लिया था, किसका, मुख्य यज्ञ का, ठीक है, मुख्य यज्ञ को अंगी मान लिया था और उस क्रिया समूह को अंग मान लिया था, तो जो मुख्य यज्ञ का जो फल होगा वही इन अंगों का भी फल होगा। तो इस तरह से हमने वहाँ पर समस्या को का समाधान किया था। तो उपकार्य माने जो अंगीभूत जो यज्ञ होगा उस उपकार्य की आकांक्षा से इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित कर दिया था, या इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होते हैं वे। अब क्या कहने का मतलब यहाँ पर अभी तक क्या समझे कि यजेत स्वर्ग काम है, ठीक है, ये मुख्य विधि है मान लीजिए, और इसमें फल की भावना उत्पन्न हुई, तो सिर्फ इसमें फल की भावना उत्पन्न नहीं हुई, कथम भावयेत, कैसे करेंगे, ठीक है, तो इस भावना के उत्पन्न होने पर इस मुख्य विधि के समीप अन्य जो इसका क्रिया समूह पठित था, क्रिया समूह के बारे में जो बताया गया था, बहुत सारी क्रियाएं जो बताई गई थी, उस क्रिया समूह को हमने इसका अंग मान लिया। इस तरह से हमने इस मुख्य अंगी की इति कर्तव्यता के रूप में उस क्रिया समूह को अंग के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो जो क्रिया समूह था वो मुख्य यज्ञ का इति कर्तव्यता के रूप में अंगी बन गए और फल की भावना भी वहाँ पर शांत हो गई, क्योंकि जो मुख्य अंगी का फल होगा वही इन अंगों का भी फल होगा अंग बन जाने से। और ऐसा क्यों हुआ, प्रकरण के कारण हुआ, प्रकरण ही तो है जो उभयाकांक्षा करता है, ठीक है, तो उभयाकांक्षा हुई, यहाँ से इनके फल की कामना उत्पन्न हुई और ये अंग किसके बनेंगे, इनके फल की भी कामना उत्पन्न हुई, कथम भाव ये और इनका कथम भाव ये, तो इस तरह से उभयाकांक्षा उत्पन्न हुई, ये इन पर है,
इसका मुख्य अंगी का संपादन इन क्रिया समूहों से करना है, और क्रिया समूहों को करके क्या मिलेगा, तो यही मुख्य अंग का जो फल है वो इनको मिलेगा। तो इस तरह से उभयाकांक्षा है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि प्रकरण जो है वो मुख्य रूप से क्रिया समूहों का विनियोग ही करता है, द्रव्य गुण आदि का विनियोग नहीं करता है। द्रव्य गुण तो वहाँ पर परंपरा से प्राप्त हो जाते हैं। अब परंपरा से प्राप्त कैसे हो जाते हैं इसको हम समझते हैं। कह रहे हैं पहले कि लोके माने लोक में भी क्रियाया एव कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्। लोक में भी यही देखा जाता है कि जब कथम भावना उत्पन्न होती है तो कथम भावना के अन्वय में हम क्रियाया एव दर्शनात्, क्रिया का ही दर्शन करते हैं। मतलब जब लोक में कोई कार्य किया जाता है और हम पूछते हैं कि यह कार्य कैसे किया जा रहा है, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि क्रिया के द्वारा किया जा रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही होती है और उस क्रिया के द्वारा वह कार्य संपन्न किया जा रहा होता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। कहते हैं नहि हस्तेन कुठारेण छिंद्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणो अपि हस्तो अन्वेति। अब किसी ने कहा कि लकड़ी को कैसे काटें, तो इसके उत्तर के लिए कहा गया, इसके उत्तर में कहा गया कुल्हाड़े से काटो, ठीक है। तो इस पर भी किसी ने प्रश्न कर दिया कि किस तरह काटें, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि हस्तेन कुठारेण छिंद्यात्, कि हाथ के द्वारा कुल्हाड़ी से इसको काटो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कथम भावना उत्पन्न हुई कि हाथ के द्वारा कुल्हाड़ी से उसे कैसे काटें, तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हस्तेन उद्यम्य निपात्येति, कि हाथ से कुल्हाड़ी को उठाओ और गिराओ लकड़ी पर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब उन्होंने कहा कि इस लकड़ी को कैसे काटें, तो इसके उत्तर में हमने जो क्रिया देखी वो असल में क्रिया क्या देखी, कुल्हाड़ी का उठना और लकड़ी पर गिरना और लकड़ी का टूट जाना, ठीक है। लेकिन ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, चूंकि ये क्रिया हाथ के द्वारा हो रही है, हाथ चूंकि मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस उठाने और गिराने की क्रिया का अंग यह बन गया है, हस्तो अन्वेति परंपरा से बन गया है, ठीक है। यह हाथ जो है यद्यपि भले ही उठाने क्रिया और गिराने के संबंध में मुख्य नहीं है, मुख्य तो उठाने और गिराने की क्रिया है। वहां पर किसने कहा कि कुल्हाड़ी से इस लकड़ी को कैसे काटें, तो उत्तर में उसने देखा कि कुल्हाड़ी को उठाया जा रहा था और गिराया जा रहा था, ये क्रिया हो रही थी। तो मुख्य रूप से दर्शन किसका हुआ, साक्षात दर्शन किसका हुआ, क्रिया का हुआ। लेकिन क्रिया किसके द्वारा हो रही है, हाथ से हो रही है, तो हाथ भी वहाँ पर परंपरा अन्वित हो गया, ठीक है। उद्यमन निपातने एव, उद्यमन में और निपातने एव मतलब कि वही मुख्य क्रिया थी, ठीक है। उसके उत्तर में कथम भावना कांक्षा कथम छिद्यात, इसके इस प्रश्न के उत्तर में उठाने और क्रिया गिराने की क्रिया ही मुख्य रूप से थी, ठीक है। लेकिन हाथ के द्वारा वो क्रिया हो रही थी, हस्तश्च तद्वारा एव अन्वेती थी, ठीक है, सर्वजनीनम एतत्, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथ भी, हाथ के द्वारा वो उठाई और गिराई जा रही थी, तो हाथ भी वहाँ पर परंपरा से उसका अंग बन गया, उसका विनियोग वहाँ पर परंपरा से हो गया और उसका भी वहाँ पर अन्वय हो गया। उसी प्रकार से यह प्रकरण भी मुख्य रूप से तो क्रिया का ही साक्षात विनियोग करता है, लेकिन द्रव्य और गुण का वहाँ पर परंपरा से विनियोग हो जाता है, क्योंकि द्रव्य और गुण वहाँ पर परंपरा से उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, क्रिया साक्षात रूप से विनियुक्त होगी और द्रव्य और गुण क्रिया के द्वारा परंपरा अन्वित होते हैं, साक्षात रूप से नहीं होते हैं, ठीक है। लोक का उदाहरण भी दे दिया, लौकिक उदाहरण भी दे दिया और यज्ञ का उदाहरण भी यहाँ पर अब अच्छी तरह से इन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। सर्वजनीनम एतत्, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि क्रिया के द्वारा ही समाज में हम अपनी कथम भावना को पूर्ण करते हैं, कथम भावना की शांति करते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रकरण जो है वो अपने बाद वाले प्रमाणों से ज़्यादा बलवान है। अब दो प्रमाण और बच गए इसके बाद, एक है स्थान और एक है समाख्या। तो प्रकरण जो है उन दोनों से बलवान है, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। और कैसे बलवान है, कह रहे हैं इदम च स्थाना दिभ्यो बलवत्, कि स्थान और समाख्या इसके बाद जो दो अन्य प्रमाण आने वाले हैं उनसे यह प्रकरण नाम का प्रमाण बलवान है। कैसे बलवान है, अतएव इसलिए अक्षयर दिव्यति राजन्यम जिनाति इति वेदनादयो धर्मा अभिषेचनीय सन्निधो पठिता अपि स्थानंगम तदंगम स्थानात् न तदंगम। अब इसको समझते हैं पहले क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। देखिए एक याग है, राजसूय याग मुख्य याग है, प्रधान याग है, अंगी है, ठीक है।
और इसके अंतर्गत अनेक याग होते हैं, इसके अंग समूह में बहुत सारे याग हैं, ठीक है। और उन बहुत सारे यागों में से एक याग है अभिषेचनीय याग, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, अभिषेचनीय याग, ठीक है। ये अभिषेचनीय नाम का एक सोम याग है ये, जो राजसूय यज्ञ के अंतर्गत अनेक याग समूहों में से एक है। अब ये जो अभिषेचनीय नाम का सोम याग है, इसके समीप में कुछ मंत्रों का पाठ है, ठीक है। कुछ मंत्र और वहाँ पर पढ़े गए हैं, कौन कौन से हैं वो मंत्र, जैसे कुछ कोई नाम मैं बताता हूँ। पहला मंत्र है अक्षयर दिव्यति, ठीक है। एक मंत्र है राजन्यम जिनाति, एक मंत्र है सौनक्षेपम आख्यापयति। तो ये वहाँ पर अलग अलग मंत्र वहाँ पर और इसके समीप में दिए गए हैं, ठीक है। अक्षयर दिव्यति से जुआ खेलना, राजन्यम जिनाति से जीतना, ठीक है, और सौनक्षेपम आख्याति से सौनक्षेप का पाठ करना, आख्यापयन करना। तो ये इन आदि धर्मों का भी विधान वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ये जो अभिषेचनीय नाम का जो ये यज्ञ है, ये ज्योतिष्टोम याग का विकृत याग भी है, क्योंकि अपने आप में अपूर्ण है और अपने आप को पूर्ण करने के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ की कुछ विधियों को यह अध्याहार करता है, इसलिए ज्योतिष्टोम याग का यह विकृत याग भी है, ठीक है। तो दो जगह हो गया, ये राजसूय यज्ञ के अंतर्गत आने वाले अनेक याग समूहों में से भी एक है और ज्योतिष्टोम का विकृत याग भी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये इसके समीप में जो मंत्र पढ़े गए थे, अक्षयर दिव्यति, राजानम जिनाति, सौनक्षेपम आख्यापयति, इनको हम प्रकरण प्रमाण से राजसूय यज्ञ का अंग माने या स्थान प्रमाण से केवल अभिषेचनीय का अंग माने, ठीक है। ये जो मंत्र वहाँ पर पढ़े गए थे अक्षर दिव्यति आदि, इन मंत्रों को, इन मंत्रों में जो विधान किया गया है, इन मंत्रों का जो भी अर्थ है, जो भी क्रिया इसमें है, उन धर्मों को हम प्रकरण प्रमाण से राजसूय का अंग माने या स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय का अंग माने, क्योंकि अभिषेचनीय याग के समीप में पढ़े गए, ठीक है। माने क्या क्या माने हम, तो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो देवना आदि धर्म है, ये देवना है, ठीक है। देवना माने जुआ आदि खेलना, तो ये जो देवन आदि धर्म है, ज्ञान माने जीतना आदि जो धर्म है, जिनाति, ये धर्म जो है, ये अभिषेचनीय के सन्निधि में पठित होने पर भी स्थान प्रमाण के द्वारा उसके अंग नहीं माने जाते, न तदंगम, स्थान प्रमाण के द्वारा अभिषेचनीय के अंग नहीं माने जाते। कौन? ये जो अक्षर दिव्यति, राजनम, जिनाति आदि जो धर्म है, ठीक है, ये धर्म स्थान प्रमाण के द्वारा उस अभिषेचनीय याग के अंग नहीं माने जाते, बल्कि प्रकरणात्, प्रकरण प्रमाण के द्वारा राजसूय अंगम, राजसूय मुख्य यज्ञ के अंग माने जाते हैं, इसलिए प्रकरण प्रमाण जो है वो ज़्यादा बलवान है। दूसरी बात एक ये भी है कि प्रकरण प्रमाण से यदि हम चलेंगे तो श्रुति, लिंग, वाक्य और प्रकरण चार स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। स्थान प्रमाण से यदि हम इसको विनियोग करने का प्रयास करेंगे, अंग अंगी भाव का बोध कराने का प्रयास करेंगे, तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण और स्थान पांच पांच स्टेप में से हमको निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रकरण इसके ज़्यादा करीब है, चार स्टेप में ही काम कर रहा है, इसलिए भी प्रकरण प्रमाण जो है वो स्थान आदि प्रमाणों की अपेक्षा ज़्यादा बलवान है। हमने ये जाना था पहले ही कि छह प्रमाणों को क्रमशः हम याद कर लेंगे और पहले पहले वाला प्रमाण अपने अपने बाद वाले प्रमाण से ज़्यादा बलवान होगा और बाद वाला प्रमाण अपने पहले वाले प्रमाण से ज़्यादा निर्बल होगा। तो प्रकरण क्योंकि स्थान और समाख्या से पहले आता है, चौथे नंबर का है, इसलिए ये स्थान और समाख्या से ज़्यादा बलवान होगा। और कैसे होगा इसको भी इन्होंने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए,